भारत संकल्प यात्रा के दौरान, यानी जब ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है, तब दो बड़े कार्यक्रम देश ने किए हैं। एक कार्य नारी शक्ति और टेक्नोलॉजी से खेती किसानी को आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, उसे सशक्त करने का काम है, और दूसरा इस देश के हर नागरिक का, चाहे वो गरीब हो, चाहे निम्न मध्यम वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे अमीर हो, हर गरीब को दवाएं सस्ते से सस्ती मिले, उसको बीमारी में जिंदगी गुजारनी न पड़े, ये बहुत बड़ा सेवा का काम, पुण्य का काम, उससे भी जुड़ा हुआ अभियान है। मैंने लाल किले से देश की ग्रामीण बहनों को ड्रोन दीदी बनाने की घोषणा की थी, और मैंने देखा कि इतने कम समय में ये हमारी बहनों ने, गांव की बहनों ने, 10वीं कक्षा पास है, कोई 11वीं कक्षा पास है, कोई 12वीं कक्षा क्या है, और हजारों बहनों ने ड्रोन चलाना सीख लिया। खेती में कैसे इसका उपयोग करना, दवाइयां कैसे छिटकना, फर्टिलाइजर कैसे छिटकना सीख लिया। तो ये जो ड्रोन दीदी है ना, वो नमन करने का मन करे इतना जल्दी से वो सीख रही है, और मेरे लिए तो ये ड्रोन दीदी को नमन का कार्यक्रम है, और इसलिए मैं तो इस कार्यक्रम का नाम देता हूं नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। ये हमारी नमो ड्रोन दीदी जो है, ये आज लॉन्च हो रही है, ये नमो ड्रोन दीदी, ताकि हर गांव ड्रोन दीदी को नमस्ते करता रहे, हर गांव ड्रोन दीदी को नमन करता रहे, ऐसा वातावरण मुझे बनाना है। इसलिए मैंने योजना का नाम भी मेरे से कुछ लोगों ने सुझाया है, नमो ड्रोन दीदी। अगर गांव जैसे कहेगा नमो ड्रोन दीदी, तब तो हमारी हर दीदी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। आने वाले समय में 15,000 स्व सहायता समूहों को ये नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, वहां ड्रोन दिया जाएगा, और गांव में वो हमारी दीदी सबके प्रणाम का, नमन का अधिकारी बन जाएगी, और नमो ड्रोन दीदी हमारा आगे बढ़ेगा। हमारी बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का जो अभियान चल रहा है, वो भी ड्रोन एरिया से सशक्त होगा। इससे बहनों बेटियों को कमाई का अतिरिक्त साधन मिलेगा, और मेरा जो सपना है ना, 2 करोड़ दीदी को मुझे लखपति बनाना है। गांव में रहने वाली विमेन सेल्फ ग्रुप में काम करने वाली 2 करोड़ दीदी को लखपति बनाना है। देखिए, मोदी छोटा सोचता ही नहीं है, और जो सोचता है उसको पूरा करने के लिए संकल्प लेके निकल पड़ता है, और मुझे पक्का विश्वास है इससे देश के किसानों को बहुत कम कीमत में ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी मिल पाएगी। इससे उनके स्वास्थ्य हेल्थ को भी लाभ होने वाला है, उनके स्वास्थ्य को भी लाभ होने वाला है, इससे समय भी बचेगा, दवाओं और खाद की भी बचत होगी, जो वेस्टेज जाता है वो नहीं जाएगा। साथियों, आज देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया गया, और मेरे लिए खुशी है कि बाबा की भूमि से मुझे 10,000वें केंद्र के लोगों से बात करने का मौका मिला। अब आज से ये काम आगे बढ़ने वाला है, देश भर में फैले ये जन औषधि केंद्र आज गरीब हो या मिडिल क्लास को, हर किसी को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के बहुत बड़े सेंटर बन चुके हैं, और देशवासी तो स्नेह से इन्हें, मैंने देखा है गांव वालों को ये नाम वाम को याद नहीं रहता है, तो गांव वाले तो कहे भाई तो मोदी की दवाई की दुकान है, मोदी की दवाई की दुकान पर जाएंगे, भले आपको जो मर्जी पड़े नाम दीजिए, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि आपके पैसे बचने चाहिए,
यानी आपका बीमारी से भी बचना है और जेब में पैसे भी बचना है, दोनों काम मुझे करने हैं। आपको बीमारी से बचाना और आपके जेब से पैसे बचाना, इसका मतलब है मोदी की दवाई की दुकान। इन जन औषधि केंद्रों पर लगभग 2000 किस्म की दवाएं 80-90% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध है। अब बताइए, एक रुपये की चीज 10-15-15 पैसा 20 पैसे में मिल जाए तो कितना फायदा होगा, और जो पैसे बचेंगे ना वो आपके बच्चों के काम आएंगे। 15 अगस्त को ही मैंने देश भर में जन औषधि केंद्र, जिसको लोग मोदी की दवाई की दुकान कहते हैं, वो 25,000 खोलने का तय किया है। 25,000 तक पहुंचाना है इसको। अब इस दिशा में और तेजी से काम शुरू हुआ है। इन दोनों योजनाओं के लिए मैं पूरे देश को, विशेष रूप से मेरी माताओं बहनों को, किसानों को, परिवारों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे आपको ये जानकारी देते हुए भी खुशी है कि गरीब कल्याण अन्न योजना, आप जानते हैं, कोविड में शुरू की थी और गरीबों को उनकी थाली, उनका चूल्हा, उसकी चिंता, गरीब के घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए, गरीब का बच्चा भूखा सोना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी कोविड की महामारी आई थी, हमने एक सेवा का काम शुरू किया और उसके कारण मैंने देखा है परिवारों के काफी पैसे बच रहे हैं, अच्छे काम में खर्च हो रहे हैं। ये देखते हुए कल ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय कर लिया है कि अब ये जो मुफ्त राशन देने वाली योजना है उसको 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि आने वाले 5 सालों तक आपको भोजन की थाली के लिए खर्च न करना पड़े और आपका जो पैसा बचेगा ना वो जनधन अकाउंट में जमा कीजिए और उससे फिर बच्चों के भविष्य के लिए उसका उपयोग कीजिए, प्लानिंग कीजिए, पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए। मोदी मुफ्त में भेजता है, लेकिन इसलिए भेजता है ताकि आपकी ताकत बढ़े। 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को अब 5 साल तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इससे गरीबों की जो बचत होगी उस पैसों को वे अपने बच्चों की बेहतर देखभाल में लगा सकेंगे। और ये भी मोदी की गारंटी है जिसे हमने पूरा किया है, इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी।